नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, लियाकत नवाज़ मलिक एक नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान बैरिस्टर अतीक मलिक हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे उनसे बातचीत की जाएगी, हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब आप आए, तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी हुई। मलिक साहब चंद दिन गुज़रे, जो महफूज फैसला था पनामा लीक्स का वो गैर महफूज हो चुका है, उस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं, आप इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं? सबसे पहले तो लियाकत मलिक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज के तबसरा में ये मौका दिया कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपने ख्यालात शेयर कर सकूं। पनामा लीक्स जब इशू सामने आया है और बिलामूम पूरी दुनिया में और उसके तनाजर में फिर हमारे मुल्क के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट पे जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम पनामा लीक्स के हवाले से सामने आया कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो बनाई और उन ऑफशोर कंपनीज को मियां साहब ने अपने किसी असासे में कभी जाहिर नहीं किया। यहीं से जो है वो इस केस की इब्तिदा हुई और आगे चलकर कोर्ट में जब ये लोग आए, एक दफ़ा पहले आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया मेंटेबिलिटी के इशू पे, लेकिन फिर दोबारा वो कामयाब हुए और ये कोर्ट ने इसको हीरिंग के लिए एडमिट किया। अच्छा, बजाय इसके कि मैं फौरी तौर पे कोर्ट के कंक्लूजन पे या जो उसके फैसले पे जाऊं, मैं सिर्फ ये बात रखना चाहूंगा कि देखें, पिटिशनर्स जो हैं वो क्या उनकी रिक्वेस्ट या प्रे इस्तदा जो थी वो कोर्ट से क्या थी? उनकी इस्तदा ये थी ऑनरेबल कोर्ट से कि जनाब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त द हाईएस्ट फोरम ऑफ द पाकिस्तान जो है उसको ऑफिस को एंजॉय कर रहे हैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ मौाकों पर उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने जो हैं ये तमाम अदवार में अपने कारोबार जारी रखे और इनमें से कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनको उन्होंने जाहिर नहीं किया। अब जब जाहिर नहीं किया तो उन्होंने कौम से ये चीजें छुपाई हैं, तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इनको आप जो है इनकी जो चीक है 62 और 63 उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि ये सादक और अमीन की कैटेगरी से बाहर हो गए। ये एक प्रे थी। अब जो रिस्पोंडेंट थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे, उनके दामाद और उनके समदी साकदार, हर एक ने अपने अपने हिसाब से अपने आप को पेश किया और इन्होंने कोर्ट में अपना मौका पेश किया कि जनाब हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने जाहिर किया और हम इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना अमीन और सादक की डेफिनेशन पे हम पूरा उतरते हैं। प्रोसीडिंग्स हुई, दोनों तरफ से दलाइल आए। अब कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके 5 मेंबर थे, 2 अरकान ने ये वाज़े मौकफ लिया कि नवाज शरीफ रिस्पोंडेंट 1 और जो हैं वो अपने आप को सादक और अमीन साबित नहीं कर पाए, लिहाजा उन्होंने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया।
और आर्डर जारी किया कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, नोटिफिकेशन किया जाए, लेकिन बाकी तीन जो थे उन्होंने ये कहा नहीं, अभी जो है वो हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि हमारे पास मवाद इतना ज्यादा नहीं दिया गया, एविडेंस क्लियर नहीं है, इस पे जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन मलिक साहब, मैं यहां पे आपको रोकूंगा कि फाजिल जजों ने ये कहा कि एविडेंस नहीं है, आप एक वकील हैं, बड़ा तजर्बा है आपको, आप कोर्ट में एक बोगस एफिडेविट या कोई चीज पेश करते हैं, जैसे इन्होंने एक कतरी शहजादे का लेटर इशू किया और सब जजेस ने ये लिखा कि ये जो लेटर है ये बोगस है, इस पर किसी को यकीन नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप कोर्ट को गुमराह करने के लिए कोई चीज पेश करते हैं अदालत में, तो उसकी सजा क्या होती है? देखें लियाक साहब, बात यह है कि जो कतरी शहजादे का खत पेश हुआ उस पे कोर्ट ने कहीं ये एविडेंस नहीं मांगी, कहीं कोई उसका डिक्लेरेशन नहीं मांगा कि देने वाले ने दिया है इसको, कोई डिक्लेरेशन नहीं मांगा गया। दूसरी तरफ से पिटिशनर्स की तरफ से उसकी रिबटल नहीं आई कि ये गलत है, ये फोर्ज है। नहीं नहीं, वो देखें ना, नहीं देखें, बात सुने, कोर्ट में आप कोई भी एविडेंस पेश करते हैं तो उस पर क्रॉस एग्जामिन होता है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है और दोनों फरीकैन उस पर जो है वो बात करते हैं। क्या कोर्ट में ऐसा कोई एक आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, एक चीज है, लेकिन आप ये बताए, जब जजेस ये कह रहे हैं कि ये बोगस है, नहीं और देखें, नहीं देखें, कोर्ट ने जो भी है ये उन्होंने बोगस नहीं कहा उसको, उन्होंने कोर्ट के पांचों जजेस ने, दो ने तो एक स्टांस ले लिया, बाकी जो तीन हैं उनका कहना ये है कोर्ट का कि हमारे सामने एनफ एविडेंस नहीं आई, एक दूसरी बात उन्होंने ये की कि ना तो पिटिशनर ने हमें कोई सॉलिड एविडेंस दी, कि उन्होंने जो कुछ दिया वो भी ईमेल्स पे मबनी है और गैर मुसद्दका है, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चीजों को वाजे नहीं किया गया, नहीं, कुछ को छुपाया गया और कुछ को बयान नहीं किया गया। बैसल साहब, ये आप कह रहे हैं ना, आप फरमा रहे हैं कि ये पिटिशनर या रिस्पोंडेंट जो था उन्होंने कुछ नहीं किया। मियां साहब जब असेंबली में आके एक स्पीच करते हैं या पीटीवी पे आके कौम से खिताब करते हैं और उसमें जो कुछ वो बताते हैं वो सारे एविडेंस हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जो है आम आदमी नहीं है, वो एक बड़ा ऑफिस जो है एंजॉय कर रहा है जैसे आपने फरमाया, और जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो एफिडेविट है, वो उनकी उनकी तरफ से सारी चीज़ों के सबूत हैं, तो आप उसको कहां से नहीं डिफेंड करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखें आप एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाइड ना करें, नहीं जी, जी। आपकी प्रे तो यही है ना, नहीं, प्रे आप ये करें, पिटिशनर की प्रे तो ये है ना, इसको डिस्क्वालीफाई किया आप ये सादक और अमीन नहीं है, नहीं आप जजेस जो फैसला है, अब ठीक है लीगल चीजें हैं, लेकिन क्या जजेस का ये काम नहीं बनता था कि वो कहें जनाब ये चीजें जो हैं ये नहीं है, ये पूरी तरीके से इनको सबूत साबित नहीं किया गया, हम 60 डेज देते हैं दोबारा जेआईटी बने, उस वक्त तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपने ऑफिस से रिजाइन करें, वो घर बैठें, और जब इसका फैसला आ जाए और अगर वो बेकसूर हैं तो वो दोबारा अपना ऑफिस एंजॉय कर सकते हैं, क्या ये नहीं हो सकता था? देखें कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो उसको मैं कमेंट ऐसे करूंगा कि मैं समझता हूं कि इसमें अगर ये फैसला था तो इस फैसले को एक इंटरिम फैसले की तौर पे सामने आना चाहिए था जी। फाइनल फैसला जो 547 पेजेस आपने लगा दिए इस पे,
उसकी भी जरूरत नहीं थी। एक इंटरिम ऑर्डर आता कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड हियर, वो कॉन्स्टिट्यूट कर दें जो भी जीआईटी करनी है, जो भी करनी है उसके साथ। लेकिन जहां तक आपकी ये बात है सस्पेंशन की, देखें अगर तो इस पूरे केस को देखा जाए, मुझे तो उसमें कोई लीगल ग्राउंड नजर नहीं आती, तो इसलिए फिर तो मैं भी ये कह देता हूं कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि कोर्ट को एक इंटरिम ऑर्डर जब पास कर रही है तो उसके साथ, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ऑफिस बैरर जो है वो इन्फ्लुएंशियल हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी रेपो बिलखसूस तौर पे ये है कि वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस आप जो है वो स्टेप डाउन करें और इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख ले, आपका इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुलिस के सामने पेश हुआ है, लेकिन क्या किसी ने उससे कहा कि आप अपना प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दें? नहीं नहीं, आप नहीं कहा, लेकिन अखलाकियात में ये आप देख रहे हैं कि इस केस पे देखें पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ना सर, आप ये देखें कि जीआईटी ने पहले क्या किया था, क्या जीआईटी बनी? छोड़ दें आप इनको बाइज्जत बरी कर देते, लेकिन ये कौम के साथ मजाक जो है ना, प्लीज ये मजाक जो है मैं यहां पे आपसे जो है ये कहूंगा कि ये मजाक आप सारे का सारा मजाक कोर्ट पे क्यों डालते हैं? तो किस पे डालें सर? देखें ना, कोर्ट जो है वो आपका एक इंस्टीट्यूशन है, आपको अपने इदारों पे जो है वो किसी पे भी इत्माद नहीं है। कोर्ट ने तो कहा है कि इसमें नैब होगी, इसमें एफआईए होगा, इसमें स्टेट बैंक का नुमाइंदा होगा, इसमें आईएसआई का नुमाइंदा होगा, इसमें एमआई का नुमाइंदा होगा, इसमें स्टॉक एक्सचेंज का नुमाइंदा होगा, और वो नुमाइंदे होंगे जिनको कोर्ट प्रूव करेगी, और कोर्ट जो है वो ओवरसी करेगी इस सारे प्रोसेस को, और उनसे पीरियडिकल जो है वो रिपोर्ट्स मांगेगी और उसको मुकम्मल जो है वो फॉलो अप करेगी उस पर। अब बाकी देखिए, आपको किसी पे तो इत्माद करना है ना। मगर साहब मैं आप पे इत्माद करता हूँ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं, उस वक्त तक आप पे इत्माद है मुझे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मलक अतीक साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया।